इंदौर के हुकुमचंद मिल के वर्चुअली कार्यक्रम में आज नरेंद्र मोदी के द्वारा मजदूरों को उनकी बकाया देनदारी राशियां जो है वो दी गई। इस कार्यक्रम में इंदौर मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर कहा कि मेरे लिए देश में चार जातियां सबसे बड़ी हैं, गरीब, युवा, महिलाएं और मेरे किसान भाई। गरीबों की सेवा, वंचितों का मान हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हुकुमचंद मिल के मजदूरों को बकाया राशि मिलने की प्रोसेस की शुरुआत वर्चुअली की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मजदूरों को चेक सौंपा। 32 साल से मजदूरों की देनदारियां बाकी थी, मिल के करीब 4800 मजदूरों को उनके हिस्से का पैसा 15 से 30 दिन में मिल जाएगा। आयोजन कनकेश्वरी धाम में हुआ। मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत की। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने कर कमलों से बटन दबाकर हुकुमचंद मिल के मजदूरों के स्वत्वों का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ करें। हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। आज हुकुमचंद मिल के बरसों पुराने मामले का जो एक तरह से उलझा हुआ था, इस मामले का निराकरण करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें वर्षों से लंबित 4800 मजदूरों का हक का पैसा आज उनको दिया गया। सरकार बहुत संवेदनशील है, ऐसे ही प्रकरण को हमने उज्जैन में निराकरण किया था, जिसमें विनोद विमल मिल के मजदूरों का 100 करोड़ रुपये राशि मार दी गई थी। और ऐसे किसी मसले पे अगर सरकार के लेवल पे कोई भी काम होगा, इसमें संवेदनशीलता के साथ गरीब, मजदूर, हर वो व्यक्ति जिसको शासन से कहीं मदद की दरकार, सरकार पूरी संवेदनशील रहेगी। मेरी अपनी ओर से हुकुमचंद मिल के इस पूरे निराकरण के लिए सबको बधाई। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना।